Good morning, friends. Now I am covering the topic, that is cursor, in today's session. Already we have covered the topics. You can see here I have written on the right hand side of the board, that is joins, triggers, PLSQL, SQL commands, aggregate function. These all topics have been covered. If you have any doubt, so please ping to me on WhatsApp. Okay, now I'm going to cover the topic, that is cursor. So basically, what is a cursor? You must be aware. Cursor होता क्या है? Basically क्या है कि ये आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक बनाया हुआ है ये फिगर. यहाँ पे ये क्या है? एक मेमोरी एरिया है, ठीक है. और इस मेमोरी एरिया का जो नाम है वो क्या है? कंटेक्स्ट एरिया, ठीक है. अब ये जो मेमोरी एरिया वो किसको एलोकेटेड है? एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को. तो जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग हो रही है वो इसी एरिया में हो रही है, ठीक है. तो अब जो कर्सर है वो क्या कर रहा है? इस कंटेक्स्ट एरिया को पॉइंट करता है, ठीक है. तो कंटेक्स्ट एरिया क्या, कर्सर क्या कर रहा है? इस कंटेक्स्ट एरिया को पॉइंट कर रहा है. और इसके अंदर जो हमारा कमांड है, हमारे जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है? एसक्यूएल स्टेटमेंट है. तो हमारे जितने भी एसक्यूएल स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट करते हैं तो ओरेकल ने उसको एक मेमोरी एरिया एलोकेट कर दिया और उसका नाम क्या? कंटेक्स्ट एरिया. और कर्सर उसी एरिया को क्या करता है? पॉइंट करता है, ठीक है. तो जब भी हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट को फेच करना है या हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रोसेस करना है तो हम किसके थ्रू करते हैं? इस कर्सर के थ्रू करते हैं, ठीक है. तो आप ये कह सकते हो कि PLSQL जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है. किसके थ्रू? कर्सर के थ्रू. इनकी पूरी कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? कर्सर के हाथ में. तो PLSQL इस कर्सर के थ्रू ही इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है. तो अब कर्सर की नेमिंग ज़रूरी है. अब अगर हमें मान लो एसक्यूएल स्टेटमेंट को फेच करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एसक्यूएल की नेट कर, एसक्यूएल की नेमिंग ज़रूरी है ना. तभी तो आप क्या करोगे, उस नेमिंग के थ्रू तो आप क्या करोगे, डेटा इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? फेच करेंगे और हम प्रोसेस करेंगे. तो नाउ यू कैन सी हियर आई हैव रिटन हियर टू कैटेगरीज ऑफ कर्सर. वन इज इम्प्लिसिट एंड सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट. तो क्या डिफरेंस होता है ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है. इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है कि अगर हमने अपने प्रोग्राम में कर्सर नहीं यूज़ किया, हमारा जो PLSQL का जो प्रोग्राम है उसमें हमने कर्सर नहीं यूज़ किया है, तो ओरेकल क्या करता है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने एक्सप्लिसिट कर्सर नहीं यूज़ किया है, ये मैं आपको अभी बताऊँ, ठीक है. आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो PLSQL का प्रोग्राम है उसमें अगर कर्सर नहीं यूज़ है तो ओरेकल क्या करता है? बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जैसे ही वो एसक्यूएल स्टेटमेंट को देखेगा वो क्या करेगा? एक ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इनबिल्ट या इम्प्लिसिट कर्सर क्रिएट कर देगा, ठीक है. क्योंकि एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए यू नीड अ कर्सर, ठीक है. कर्सर उसी क्या करेगा ओरेकल कि एक मेमोरी एरिया एलोकेट करेगा. जैसे व्हेनेवर द ओरेकल सी एन एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट एवर द ओरेकल विल डू, इफ देयर इज नो एक्सप्लिसिट कर्सर इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट एन इम्प्लिसिट कर्सर. तो ये होता है आपका इम्प्लिसिट कर्सर, अगर एक्सप्लिसिट कर्सर नहीं है आपके PLSQL प्रोग्राम में. जैसे ही एसक्यूएल स्टेटमेंट दिखेगा कर्सर क्या करेगा, ये प्रोग्रामर क्या करेगा, PLSQL क्या करेगा, ओरेकल क्या करेगा कि वो एक इम्प्लिसिट कर्सर क्रिएट कर देगा, ठीक है. अब ये जो आपके इम्प्लिसिट कर्सर क्रिएट हो जाते हैं तो वी कैन से इट इज़ एन एसक्यूएल कर्सर. इसको हम एसक्यूएल कर्सर भी बोलते हैं, एसक्यूएल कर्सर. ये हमारे क्या है? एसक्यूएल इम्प्लिसिट कर्सर ही तो है, ठीक है. तो इनको हम क्या करते हैं? इट हैज़ अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स थ्रू विच वी फेच एंड वी प्रोसेस द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स. एसक्यूएल इम्प्लिसिट कर्सर के कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इनको प्रोसेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल परसेंट, आई एम राइटिंग हेयर द एट्रीब्यूट्स, एसक्यूएल इम्प्लिसिट एट्रीब्यूट्स. आई कैन राइट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट इम्प्लिसिट कर्सर. सो देयर आर अ नंबर ऑफ एसक्यूएल कर्सर एट्रीब्यूट्स, एसक्यूएल कर्सर एट्रीब्यूट्स इज परसेंट फाउंड. पहला आपका क्या है? परसेंट फाउंड. सेकेंड आपका है परसेंट नॉट फाउंड. थर्ड आपका है परसेंट इज ओपन. फोर्थ आपका है परसेंट रो काउंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो जो आपका एसक्यूएल इम्प्लिसिट कर्सर है ये उसके क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं. तो परसेंट फाउंड का मतलब क्या है? इट विल ऑलवेज रिटर्न टू व्हेनेवर एन इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड.
गेट्स एग्रीगेटेड मीन्स डैट इट अफेक्ट्स द रो. जब भी इंसर्ट डिलीट या अपडेट स्टेटमेंट एफेक्ट कर रही है रो को तो पर्सन फाउंड क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू. ठीक है, जब भी पर्सन नॉट फाउंड एट्रीब्यूट क्या करेगा, जब भी हम जो भी एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स हैं जैसे डीएमएल स्टेटमेंट है इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं और अगर कोई रो इफेक्ट नहीं हो रही देन इट विल रिटर्न फॉल्स. इन विच केस इट विल रिटर्न फॉल्स, इफ नो रोज विल गेट इफेक्टेड, इफ नो रोज गेट इफेक्टेड, गेट अफेक्टेड returns true if rows get affected. यहाँ पे rows अगर affect हो रही है तो ये will return करेगा क्या, true. clear है आपको. next percent is open, यहाँ पे हम cursor को open ही नहीं करते तो by default it always ये हमेशा ही क्या करेगा, return करेगा false, returns false क्योंकि यहाँ पे तो cursor automatically create हो जाता है ना by the oracle. next percent row count it will return the number of rows, ये क्या करेगा, it will always returns ट्रू. ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज. ठीक है, तो ये जो मैंने लिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्प्लिसिट कर्सर के क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को आप क्या करते हो, फेच करते हो कर्सर एट्रीब्यूट्स. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एक्सप्लिसिट कर्सर. ओके, आई कैन रब. Explicit cursor. ठीक है, explicit cursor जो है वो programmer defined cursor होते हैं. पहला point, it is a programmer defined cursor. पहला point क्या है कि ये programmer defined cursor होते हैं. आपको क्या करना होता है, इसको declare करना पड़ता है. There are four steps फॉर यूजिंग द एक्सप्लिसिट कर्सर. वो क्या है, सबसे पहला हमें क्या करना है, कर्सर को डिक्लेयर करना है. क्या करना है हमें, कर्सर को डिक्लेयर करना है कर्सर को. उसके बाद हमें क्या करना है, इस कर्सर को ओपन करना है. वी हैव टू ओपन कर्सर. आफ्टर डैट वी हैव टू फेच कर्सर एंड द लास्ट इज वी हैव टू क्लोज द कर्सर. आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली क्या है, एक्सप्लिसिट कर्सर जो है प्रोग्रामर डिफाइंड कर्सर है. ये हमें खुद डिक्लेयर करना पड़ता है, इस कर्सर को ओपन करना पड़ता है, इसको हमें फेच करना पड़ता है, इसको क्लोज करना पड़ता है. इम्प्लिसिट कर्सर के केस में आपको पता है ओरेकल ऑटोमेटिकली करता है, आपको पता भी नहीं चलता वो कर्सर के थ्रू क्या कर रहा है. जब भी इसको एसक्यूएल स्टेटमेंट दिखेगा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा एक कर्सर. ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, फेच करेंगे प्रोसेस करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट को. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कर्सर को डिक्लेयर करना है, उसको ओपन करना है. दीज ऑल आर द वर्किंग स्टेप्स ऑफ हाउ टू यूज अ कर्सर इन अ प्रोग्राम. तो आपको डिक्लेयर करना है, फिर ओपन करना है, फिर फेच करना है, फिर क्लोज करना है. डिक्लेयर क्यों करना है, इनिशलाइज करते हैं मेमोरी, इसलिए हम डिक्लेयर करते हैं कर्सर को. और ये हम कहाँ पे करते हैं, पी एल एसक्यूएल बॉडी में. उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्सर को ओपन करते हैं जहाँ पे हम एलोकेट करते हैं मेमोरी को. उसके बाद फेच कर्सर में क्या हो रहा है, हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं इस, ठीक है, थर्ड स्टेप में. और लास्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं मेमोरी को. ठीक है, तो अब हम डिक्लेयर कैसे करते हैं कर्सर को, उससे आपको पता होना चाहिए. डिक्लेयर कैसे करेंगे, पी एल एसक्यूएल बॉडी में जो आपका डिक्लेरेशन पार्ट होता है वहीं पे हम क्या करते हैं, कर्सर को डिक्लेयर करते हैं. कैसे करते हैं, कर्सर नेम इज सेलेक्ट स्टेटमेंट जो भी आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट देनी है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कर्सर को डिक्लेयर करते हैं. अब अगर हमें ओपन करना है कर्सर तो कैसे करेंगे, ओपन कर्सर नेम. अब उसके बाद मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड्स को फेच करना है, तो मैं कैसे करूंगी, फेच कर्सर नेम इनटू जो भी आपको रिकॉर्ड्स फेच करना है. फॉर एग्जांपल कस्टमर की टेबल है, मुझे आईडी नेम कॉमा एड्रेस ये फेच करना है. मैंने क्या लिखा, फेच कर्सर
कर्सर नेम इनटू आईडी नेम कॉमा एड्रेस। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, क्लोज करना है कर्सर को, तो मैं कैसे करूँगी, सिंपल क्लोज राइट डाउन कर्सर नेम, इजी। क्लियर है आपको, कर्सर का काम कुछ भी नहीं है, बस वो क्या करता है, पॉइंट करता है उस एरिया को जहाँ पे भी आपके स्कूल स्टेटमेंट्स हैं, उनको उस स्कूल स्टेटमेंट को प्रोसेस करने का नाम काम फेच करने का काम हम इस कर्सर के थ्रू करते हैं पी एल एस क्यूएल प्रोग्राम में। तो बेसिकली पी एल एस क्यूएल क्या करता है, इन स्कूल स्टेटमेंट को पूरा कंट्रोल करता है कर्सर के थ्रू। तो दो कैटेगरी के होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कर्सर आप खुद डिक्लेयर करते हो, उसको ओपन करते हो, फेच करते हो, क्लोज करते हो। अगर आपने कर्सर नहीं यूज किया अपने प्रोग्राम में तो ओरेकल क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक इम्प्लिसिट कर्सर यूज करता है और एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। तो वहां पर डिक्लेयर ओपन फेच क्लोज आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ओरेकल ऑटोमेटिकली खुद करता है, ठीक है। Now in the next slide I will show you how to write a program in implicit cursor as well as in the explicit cursor. Thank you. Good morning students. In the last session we have discussed about the cursor. What is cursor? What do you mean by implicit cursor? What do you mean by explicit cursor? We have discussed about the cursor attributes. Now I'm going to discuss one example of implicit cursor. You can see the program written on the board. This is the program that will update the table and increase the salary of each customer by 500 and uses this SQL person row count attribute to determine the number of rows affected. Now you can see here that this is the implicit cursor program. So what we are going, we don't have to declare the cursor name, we don't need to open the cursor, we don't need to fetch the cursor, we don't need to close the cursor. Because Oracle will automatically, what it will do, it will create the cursor, implicitly create the cursor. So now what we are going to do in this program, declare what I have written, I have used one variable that is total underscore rows, ठीक है। तो हमने क्या किया, declare part use किया, declare जो भी हम program variable use करते हैं वो हम declaration part में mention करते हैं। यहाँ पर मैंने एक variable लिया total underscore rows, इसका मैंने data type दिया है number और इसका मैंने size दिया वहाँ पर 2, clear। उसके बाद जो भी लॉजिक है प्रोग्राम का वो हम कहाँ पे लिखते हैं, बिगिन और एंड के बीच में, आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने बिगिन लिखा, लास्ट में यहाँ पे एंड है, ओके। नाउ अब मैं कर क्या रही हूँ, यहाँ पे मेरी एक कस्टमर की टेबल है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ। तो आपको अपडेट कमांड पता ही कैसे करते हैं, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपडेट, ये टेबल क्या है, कस्टमर्स की है, यहाँ पे मैंने सेट किया है, ये कॉलम नेम है सैलरी, सैलरी को मैं क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, प्लस 500 कर रही हूँ यहाँ पे, इंक्रीज क्या कैसे कर रही हूँ सैलरी को, प्लस 500, क्लियर। तो ये क्या है, एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है। तो जैसे ही एसक्यूएल स्टेटमेंट देखता है ओरेकल, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है कर्सर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके लिए कर्सर क्रिएट हो गया है और ये ओरेकल की मेमोरी में ये आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट स्टोर्ड है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चेक करना है इफ ये क्या है, आपके एसक्यूएल के कर्सर एट्रीब्यूट्स है, मैंने डिस्कस किया था फाउंड नॉट फाउंड रो काउंट इज ओपन। तो ये एसक्यूएल के क्या है, कर्सर एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, चेक करोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जब भी हमें कर्सर के एट्रीब्यूट को फेच करना होता तो मैं कैसे करती हूँ, मैंने आपको बताया था, डेट इज एसक्यूएल परसेंट एट्रीब्यूट नेम, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फेच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, इफ एसक्यूएल परसेंट नॉट फाउंड, दैट मींस कि कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, मतलब अगर कोई भी रोज फेच नहीं हो रही है, यहाँ पे हम क्या करें, अपडेट करें टेबल को और सेट करें सैलरी को, ठीक है। तो अगर ये करने पे, इफ अगर हमें कोई भी रोज नहीं मिलती, नॉट फाउंड लिखा है, इफ वी रिटर्न नो रोज, देन DBMS underscore output dot put underscore line, ये क्या है, डिस्प्ले करने के लिए PLSQL स्क्रीन पे SQL प्रॉम्प्ट पे डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं DBMS underscore output को। put underscore line क्या है, प्रोसीजर डेट इज डिफाइंड इन साइड दिस पैकेज, ठीक है। तो इट इज बेसिकली यूज फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट। तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा कि नो कस्टमर सेलेक्टेड, क्योंकि नॉट फाउंड है, नॉट फाउंड मतलब नो रोज विल बी फेश, ठीक है। अब ये अगर केस आप फॉल्स हुआ, हम किस में जाएंगे, else if वाले पार्ट में, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, SQL percent found, that means अगर हमें रोज मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, SQL percent row count करेंगे। SQL percent row count क्या करता है, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में भी, ये row count का काम क्या, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं,
जो भी आप एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रोसेस कर रहे हो, जब आप अपडेट कर रहे हो, सेट कर रहे हो सैलरी को, जितनी भी नंबर ऑफ रोज आपकी फेच होके आ रही है वो किस में असाइन हो जाएगी, टोटल अंडरस्कोर रोज वाले वेरिएबल में। क्लियर? उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ। क्या प्रिंट कर रही हूँ? टोटल अंडरस्कोर रोज, जो आपकी रोज है वो प्रिंट होके आ जाएंगी। प्लस दिस इज द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, प्लस और क्या आएगा, कस्टमर सेलेक्टेड, जितने कस्टमर सेलेक्टेड है वो आ जाएंगे। आफ्टर डैट आपने इफ स्टार्ट किया तो आप इसको क्लोज भी करोगे एंड इफ से। बिगिन स्टार्ट किया तो बिगिन को भी हम क्लोज करेंगे एंड से। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्लैश लास्ट में। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू समरी ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया, डिक्लेयर किया। आपको पता PLS स्कूल का प्रोग्राम यूज करते तो हमें डिक्लेयर डिक्लेरेशन पार्ट के लिए यूज करना है, जो भी हम वेरिएबल यूज करें प्रोग्राम में। उसके बाद आपका एक्सिक्यूटेबल पार्ट आता है, जहाँ पे आप बिगिन और एंड को यूज करते हैं, जहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। आपने अगर इफ यूज किया तो आपको इफ को एंड भी करना है, वही मैंने यहाँ पे लिखा एंड इफ। ओके, आपका अगर एल्स पार्ट हो तो एल्स के बाद, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एल्स इफ। यहाँ तक क्लियर है? हमें अगर आउटपुट को प्रिंट कराना है, डिस्प्ले करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं dbms_output.put_line कमांड। ये भी क्लियर है आपको? एसक्यूएल पर्सन फाउंड, एसक्यूएल पर्सन नॉट फाउंड, एसक्यूएल पर्सन रो काउंट, ये मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ये सारे कर्सर के एट्रीब्यूट्स हैं जिसके थ्रू हम एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रोसेस करते हैं, चेक करते हैं कि रिजल्ट हमारा आ रहा कि नहीं आ रहा। नॉट फाउंड का मतलब कोई रो फेच होके नहीं आ रही है, फाउंड का मतलब डेट मीन्स रोज आपकी क्या हो रही है, फेच होके आ रही है। इट रिटर्न द रिजल्ट ट्रू, यहाँ पे रिटर्न द रिजल्ट फॉल्स। तो अगर रोज आपकी फेच होके आ रही है तो किस में स्टोर हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल पर्सन रो काउंट लगा रहे हैं। डेट मीन्स नंबर ऑफ रोज जो भी आपकी निकल के आ रही है वो किस में स्टोर हो रही है, टोटल अंडरस्कोर रोज, और वही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। प्लस हमने क्या किया कि वो डिस्प्ले कर दे नंबर ऑफ रोज, प्लस कस्टमर जो आपके हैं वो भी लिख के आ जाए, कस्टमर सेलेक्टेड। दैट इज व्हाई वी हैव यूज हियर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो ये आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट है। थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सप्लिसिट कर्सर। वी हैव डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड, दैट इज द एग्जांपल और इम्प्लिसिट कर्सर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एग्जांपल है बेसिकली एक्सप्लिसिट कर्सर पे है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर्सर को डिक्लेयर भी किया है, कर्सर को ओपन भी किया है, कर्सर को फेच भी किया है और कर्सर को क्लोज भी किया। आप इस प्रोग्राम में देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कर्सर को डिक्लेयर करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, PLSQL के डिक्लेरेशन पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर, दिस इज अ डिक्लेरेशन पार्ट एंड विद द हेल्प ऑफ डिक्लेयर कीवर्ड वी विल यूज हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है। मैंने एक लिया C_ID, C_name, C_address। ये नए तीन क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं जो हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ पुराने एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे customer_ID हो गया, customer.name हो गया, customer.address हो गया। तो ये जो कस्टमर क्या है, ये एक टेबल है जो आपने टेबल क्रिएट की होगी। टेबल आप लोग जानते ही कैसे क्रिएट करना हो, तो क्रिएट टेबल कमांड से। तो कस्टमर एक टेबल है जिसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, नेम, एड्रेस। अब मैं एक नए एट्रीब्यूट की बात कर रही हूँ, जो कि आपका C_ID, C_name, C_address। तो ये टेबल आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, बट अब मुझे इनका डेटा टाइप एलोकेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, टेबल का नाम, उसका जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अंडरस्कोर नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट, customer.id। ठीक है, तो कस्टमर वाली टेबल और उसका जो एट्रीब्यूट डेट इज आईडी, उसका जो टाइप है वही यहाँ पे C_ID का टाइप होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंट टाइप। इज इट क्लियर? जो हमारी कस्टमर टेबल है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है आईडी, नेम, एड्रेस, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पे हम कुछ नए एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, C_ID, C_name, C_address। तो मैं इनका जो डेटा टाइप है वो सेम, मैं उसी वही डेटा टाइप देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल का नाम डॉट उसके अंदर का जो एट्रीब्यूट है आईडी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पर्सन टाइप। तो जो आईडी का जो डेटा टाइप होगा वही यहाँ पे C_ID का डेटा टाइप है। सेम यहाँ पे जो नेम कॉलम का जो डेटा टाइप है वही सेम यहाँ पे C_name का होगा। एड्रेस का जो डेटा टाइप है वही सेम यहाँ पे C_address का होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, कर्सर यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ। तो कर्सर, मैंने कर्सर का नाम क्या लिखा है, C_customer। ठीक है, मैंने बताया था कि कर्सर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट में, कर्सर, कर्सर का नाम इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने कर्सर लिखा है, कर्सर का नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इट इज अप टू यू, इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट यहाँ पे मैं क्या
फेच कर रही हूँ आईडी, नेम एंड एड्रेस फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम कस्टमर टेबल. तो आपकी कस्टमर टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके अंदर आईडी, नेम, एड्रेस क्या है, कॉलम्स है. हम क्या कर रहे हैं, इसको फेच कर रहे हैं और हमने एक नया, ये जो हम फेच कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को, सेलेक्ट कीवर्ड को, हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कर्सर के थ्रू. और कर्सर का नाम क्या दिया मैंने, सी अंडरस्कोर कस्टमर. नाउ अब मुझे क्या करना है, मैंने डिक्लेयर कर दिया कर्सर को, अब मुझे क्या करना, ओपन करना कस्टमर को. तो वो मैं कहाँ पे करूँगी, सारा लॉजिक अपने एग्जीक्यूटेबल एक्शन वाले पार्ट में. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बिगिन. अब जितना भी लॉजिक है सारा ऐसे बिगिन और एंड के बीच में होगा. तो यहाँ पे बिगिन और यहाँ पे आप देख सकते हो एंड है. सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कर्सर को ओपन करूँगी. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओपन कर्सर का नाम. अब मैं क्या कर रही हूँ, लूप चला रही हूँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड्स को फेच करना है. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लूप यूज़ कर रही हूँ. तो आपको बताया मैंने पीएलएस को, जब हम लूप यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं कीवर्ड लूप और उसको हम एंड भी करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लूप को एंड किया है, एंड लूप. तो आपने यहाँ पे लिखा लूप. नाउ अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स को फेच करना है. तो मैंने क्या किया, कैसे करते हैं, फेच कर्सर का नाम. तो फेच कर्सर का नाम, कर्सर का नाम क्या है, क्या डिक्लेयर किया, सी अंडरस्कोर कस्टमर. तो यहाँ पे देखिए सी अंडरस्कोर कस्टमर लिखा हुआ है. उसके बाद इनटू किसमें, ये जो कर्सर का जो हम रिकॉर्ड है जो फेच कर रहे हैं, इसको हम किसके अंदर कर रहे हैं, ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो नए हैं, सी अंडरस्कोर आईडी, सी अंडरस्कोर नेम, सी अंडरस्कोर एड्रेस. यहाँ से डेटा हमारे किस कर्सर में, इसमें आ गया. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को. नाउ अब यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जिट. ये कब तक फेच होगा, लूप लगा हुआ, ये फेच होता जाएगा हमारे सी आईडी, सी नेम और सी एड्रेस जो नए एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर इस कर्सर के थ्रू पुरानी टेबल का डेटा फेच होता जाएगा. कब तक, जब तक आपका सी अंडरस्कोर कस्टमर परसेंट नॉट फाउंड. डेट मीन्स जब तक आपकी नो रोज नहीं आती तब तक क्या होता जाएगा, ये लूप चलता जाएगा और डिस्प्ले करता जाएगा क्या, सी आईडी, सी नेम एंड सी एड्रेस. फिर उसके बाद आपने लूप स्टार्ट किया तो लूप एंड भी होगा. कस्टमर आपने ओपन किया है कस्टमर नेम को, तो आप उसको क्लोज भी करोगे फॉर रिलीजिंग द मेमोरी. नाउ यू हैव बिगिन द प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, यू हैव टू क्लोज द पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम. यहाँ से बिगिन हुआ प्रोग्राम, क्लोज करना एंड स्लैश इज यूज फॉर रनिंग द कोड. थैंक यू.